कर ले एक्सरसाइज तो 8.1 है और केसी सिन्हा बुक है, केसी सिन्हा बुक जी, केसी सिन्हा बुक 8.1। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आइए वन का वन क्वेश्चन क्या है केसी सिन्हा बुक से स्टार्ट करते हैं। टाइप वन हेडिंग डालेंगे आप सभी, टाइप वन यहां कर लेंगे टाइप वन। सब कुछ क्लियर हो गया कि लेसन का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण पद्धति, रेखीय समीकरण निकाय का हल, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण के निकाय का हल, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण पद्धति, रेखीय समीकरण निकाय का हल। तो एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा बुक सब क्लियर हो गया है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा है 2x plus 5y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए 3x plus 2y इज इक्वल टू 7। तो इसे सॉल्व करके आपको x y के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसी का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले हम 3 स्टेप में काम करते हैं। पहले करते हैं लेट ए। तो लेट ए में क्या करते हैं वो देखिए, एक्स की कोफिशिएंट तो होगा फर्स्ट कॉलम, वाई की कोफिशिएंट क्या होगा 5, 2, 1 कर लीजिए, फिर कोमा लगा के देखिएगा एक्स। तो एक्स क्या है जरा देखिए, ये दोनों में एक्स एक्स है तो एक एक्स ले लेते हैं, दोनों में y y है तो एक y ले लेते हैं। अब चलते हैं b, b का बात क्या है वो चीज देख लीजिए। b का स्टैंडर्ड यहां पर क्या है 1 है 7 है, हो गया। तो याद रखो भैया ये इक्वेशन 3x3 में भी हो सकता है, यहां x x x, y y y, z z भी हो सकता है। तो कोई ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। चलिए तो ये तो समझ में आ गया किसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां जो लिखा गया है x का कोफिशियंट है, यहां जो लिखा गया है ये जो है y के कोफिशियंट है, और जो RHS में है उसे b से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो x है तो एक y x, दो y है तो एक y, इसको कैपिटल x से, इसको कैपिटल a से। तो याद रखना x के कोफिशियंट फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशियंट सेकंड कॉलम, तब लिखा जाता है देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज। ध्यान रखो स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ए से मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, एक्स का एक मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, एक बी की मैट्रिक्स तैयार की जाती है, यानी ए एक्स बी, तीन चीजें होनी चाहिए, ए एक्स बी तीन चीजें होती है। तो लिखते हैं देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज करनी है आपको, देन द सिस्टम ऑफ then the system of linear equation can be written as, यानी ये इतना करने के बाद ये लिखनी होनी चाहिए, लिखना है आपको। तो x को बचाते हैं और एक को लेके RHS में जाते हैं, इनवर्स हो जाता है, और इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 upon determinant into b, ये वाला b यहां है ध्यान रखिएगा, ये जो बी है साइड में है, यहां इनटू में है, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको पता है कि 1 by determinant of A into ADJ होता है। अब हम करते क्या है, इससे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम पहले डिटरमिनेंट निकालने, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम निकालेंगे ADJ, और लास्ट में एक्स की वैल्यू भी भरेंगे और वाई की वैल्यू भी यहां से ले लेंगे। एक्स के वैल्यू यहां से पुटिंग करेंगे और y की वैल्यू यहां से पुटिंग करेंगे, और डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे यहां से। चलो भाई देखते हैं आगे का स्टेप क्या होने वाला है। चलिए तो आप हर स्टेप को क्लियर कर लीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप करें या फोन से पर्सनली बता सकते हैं। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं भाई, डिटरमिनेंट ए करेंगे, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे होगा, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 5 3 जा 15, यानी आंसर -11।
अब हम क्या करेंगे, एडीजे फाइंड करेंगे। एडीजे, तो एडीजे के लिए सबको पता है कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर। तो चलो भाई कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। कोफैक्टर फाइंड करनी है तो इसके बाद का स्टेप देख ही लीजिए कि क्या होने वाला है इसके बाद का स्टेप। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको पता है A11, A12, A21, A22 के फॉर्म में है ये मैट्रिक्स। तो आप ऐसे लिख लीजिए ना, A11 तब फॉर्मूला होगा -1 के पावर 1 + 1 M11, आंसर होगा M11। M11 क्या है देख लीजिए, 2 है। फिर उसी तरह देखिए A12 तो आंसर होगा -1 के पावर 1 + 2 MO12, आंसर होगा -MO12, आंसर हो जाएगा यहां से 3 तो 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा A21, आंसर होगा -1 के पावर 2 + 1 M21, आंसर होगा -M21, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या दिख लीजिए, उल्टा चलते हैं, ये हो गया M11 M12 M21, यहां से हम लिखेंगे -5। फिर देख लीजिए A22, आंसर होगा -1 के पावर 2 + 2 M22, तो यहां से आंसर होगा M22। M22 कितना होगा भाई देख लीजिए, 2, तो 2 होगा। अब क्या करनी है, सबको पता है यार कि शिफ्ट करनी है, इस चीज को हम शिफ्ट करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि एक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे वहां पर उस इक्वेशन में, याद रखिएगा क्योंकि जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा यहां से। चलो भाई चल, ध्यान रखिएगा कि मैंने यहां से डिटरमिनेंट, हमें आवश्यकता था डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट मैंने फाइंड कर लिया है -11। मुझे चाहिए एडीजे, तो एडीजे का पहले को फैक्टर कर रही है, सारा को फैक्टर निकल गया है। और को फैक्टर निकलने के बाद हम करते क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, इसमें ले जाके सब डालते हैं, क्या क्या है, तो 2 है, -3 है, -5 2 है। अब इसका करते हैं हम एडीजे फाइंड करते हैं, एडीजे फाइंड करेंगे इसका होगा एडीजे, देख लीजिए एडीजे। तो क्या होगा इसका एडीजे, होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका एडीजे, ये हो गया आपकी डिटरमिनेंट। अब ले चल के हम इक्वेशन फर्स्ट में शिफ्ट करेंगे, चलिए शिफ्ट किया जाइए। चलो भाई आइए चलते हैं, फर्स्ट में हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, यही तो है मेरा इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, यही तो है मेरा इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। चलिए देखते हैं, यही मेरा है इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, आइए देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही तो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जी यही है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही है। चलो भाई ध्यान से देख लो, आओ फिर से समझ लो यार, ये आपकी डिटरमिनेंट हो गई, ये आपकी कोफैक्टर हो गई, सबको उठा के एक बॉक्स में रखना है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाता है एडीजे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में बदल जाता है। इसके बाद का स्टेप सीधे देखिए यहां पर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या थी, तो एक्स की वैल्यू थी एक्स और वाई था ऐसे। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है -11 लिख दो यार। चलो एडीजे कितना है, देखो भाई एडीजे, ये मेरा एडीजे है क्या है, 2 - 5 - 3 2 है, बंद कर लीजिए। और बी की वैल्यू क्या था याद करो, बी की वैल्यू क्या था, तो बी की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है तो हम किताब से देख लेंगे, 1 7 था, 1 7, ये मेरा रहा 1 7। तो शायद आपको सारा चीज क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट यहां है, सबका कोफैक्टर कहां है, यहां है, ये हमारा एडीजे गया, एडीजे के पास है, यहां एडीजे है, बी की वैल्यू 1 7 है, एक्स की वैल्यू एक्स वाई है। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि इसे करेंगे सॉल्व, इसे करेंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको सब कुछ साफ दिख रहा होगा, और इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 का 2nd, 3rd, 4th, 5th आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो भाई,
तो बहुत जल्द हम करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन, बस एक दिन की और पढ़ाई है, कल परसों हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए तो रिलेशन फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ एडमिशन करा ले, नहीं तो उनको रिलेशन फंक्शन का वीडियो नहीं भेजा जाएगा, जिनकी एडमिशन है बस उन्हें मिलेगा रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन फंक्शन वैसे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जबरदस्त लेसन है, सारे टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। देखिए संजीव सर कैसे पढ़ाते हैं, आइए यहां से एक्स वाई, चल भाई एक्स वाई बगल में आ जाओ भाई, क्या करना है तो इस तरह की बात आएगा बेटा, याद रखना कि दो मैट्रिक्स दिए गए हो तो पहले दोनों मैट्रिक्स में गुणा करा लेना, तब जाके इसके डिटरमिनेंट से गुणा कराना। गुणा कराने के रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहला से तो होगा 2, दूसरा दूसरा से 35, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी होगा -3, फिर होगा प्लस हो जाएगा 14, साधु ना 14 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 14, आंसर आपको मिलेगा -1 भाई 11, यहां से होगा आपकी आंसर कितना हो जाएगी -33, और यहां से कितना हो जाएगी 11, ओनली 11 हो गया। चलो भाई यहां से देख लो आंसर किस टाइप का आने वाला है, एक्स वाई, तो अब यहां से आंसर आपको मिल जाएगा एक्स वाई, बगल में ये इससे गुणा करेगा 3 हो जाएगा, ये इससे गुणा करेगा -1 हो जाएगा। जी आपको ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इससे गुणा होगा -33/-11, इससे गुणा होगा 11/-11, आंसर होगा भैया 11 × 33, 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11 माइनस में, और यहां आपको हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा। तो साफ क्लियर है कि हैंस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -1, ये आंसर। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए जी यहां पर एंड कर देता हूं। दो भाई एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू -4, ये आंसर है भाई, आंसर है देख लीजिएगा, ये आपकी आंसर है। चलिए सेकंड चलते हैं सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 2 का फर्स्ट, तो 1 से सारा क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 2 का फर्स्ट एक देख लीजिए, क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, फिर देख लीजिए एक्स माइनस 2y माइनस 2z है इज इक्वल टू क्या है 9 है, और क्या है तो 2x प्लस y प्लस 3z है इज इक्वल टू 1 है, तो इसी का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन सही उतार लीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए तो अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हो तो कितने स्टेप में कन्वर्ट करते हैं, जी लेटे क्या होता है, लेटे बता दीजिए, एक्स की कोफिशियंट होगा 1 1 2, वाई की कोफिशियंट देख लीजिए क्या होगा -1 -2 1, जेड की कोफिशियंट क्या होगा देख लीजिए 1 -2।